नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आज है 29 अगस्त। तो चलिए बिहार के 15 प्रमुख खबर के बारे में आगे इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखें, और साथ ही आपके तरफ से इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। बिहार में जानलेवा कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में मरीजों का इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताज़ा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में पिछले 24 घंटों में 1998 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 1,30,848 हो गई है। बिहार में फिलहाल 20,889 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में 12 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं अब तक कुल 672 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नगर विकास, पंचायती राज और पीएचईडी के 33,716 करोड़ रुपये की हर घर नल जल और पक्की नाली गली योजना का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रतिदिन पानी आपूर्ति को देखभाल करने वाले वार्ड सदस्यों को अब 500 रुपये के बदले 1,000 रुपये प्रतिमाह सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की है। उन्होंने विभिन्न जिलों के जिला अधिकारियों से बात कर योजना का हाल जाना, साथ ही जिन वार्डों में योजना पूरी की गई है वहां के लाभुकों से बात भी की। इस मौके पर उन्होंने आयरन, आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित राज्य के 31 जिलों में 30,419 वार्डों में पीने के पानी की समस्या के समाधान की बात कही। कांग्रेस ने राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में जेई और नीट की परीक्षा कराए जाने के खिलाफ शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। पटना में इनकम टैक्स गोलंबर पर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार छात्रों की जान जोखिम में डालने पर आमदा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार को परीक्षा टाल देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार के कुलाधिपति सह राज्यपाल से कहा कि 5 दिनों के अंदर बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन का फैसला ले। अदालत ने बिहार में कोरोना महामारी और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा साल 2020 के लिए कहा कि क्यों ना इसे स्थगित कर दिया जाए। साथ ही पूछा कि क्या इस प्रकार की योग्यता परीक्षा किसी और आधार पर ली जा सकती है। मामले की अगली सुनवाई 2 सितम्बर को होगी। पटना के 3 मॉल, पीएनएम मॉल, सेंट्रल मॉल, पटना वन को छोड़कर सभी बड़े स्टोर को शुक्रवार से खोलने का आदेश दे दिया गया है। सभी बड़े स्टोर में आने वाले ग्राहक की थर्मल स्क्रीनिंग से ही जांच होगी। मास्क पहनकर आने वालों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा। स्टोर के सभी स्टाफ और संचालक को मास्क पहनना होगा। डीएम कुमार रवि ने कहा कि बड़े स्टोर को खोलने की अनुमति दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव को कोरोना संक्रमण के चलते टालने की मांग को लेकर लगाई गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि कोरोना के चलते एक राज्य के चुनाव को टाला नहीं जा सकता है। चुनाव आयोग ने संक्रमण फैलने से रोकने के लिए किए जाने वाले इंतजाम का गाइडलाइंस जारी किया है। वहीं बिहार विधानसभा को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। पूर्व सांसद पप्पू यादव की पार्टी एक कदम आगे ही चल रही है। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। पप्पू यादव ने कहा कि उनकी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने कहा कि इस बार का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी बड़ा कमाल करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा के 243 सीटों में 150 सीटों पर जन अधिकार पार्टी इस बार अपने उम्मीदवार उतारेगी। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व सीएम व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की ओर से एक अन्य मामले में दायर जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में कल सुनवाई हुई। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए जमानत याचिका सूचीबद्ध की गई थी। अदालत ने जमानत पर फैसला 11 सितंबर तक के लिए टाल दिया है। अगली बड़ी खबर, आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव एफआईआर दर्ज किया गया है। इनके अलावा कई अन्य लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया है। लॉकडाउन गाइडलाइन उल्लंघन मामले में जिला प्रशासन ने यह मामला दर्ज कराया है। लॉकडाउन के कारण सभी होटल बंद होने के चलते
तेज प्रताप यादव के लिए खास तौर पर होटल कैपिटल रेजिडेंस को खोला गया था। बता दें कि गुरुवार को तेज प्रताप पिता लालू यादव से मिलने रांची गए थे और वहीं एक होटल कैपिटल रेजिडेंस में ठहरे थे। मिली जानकारी के अनुसार जिस होटल में वे ठहरे थे उस होटल के खिलाफ कोरोना काल के दौरान नियम उल्लंघन करने का आरोप लगा है, जिसको लेकर उन पर FIR दर्ज कराया गया है। अगली खबर पटना से है। पूर्व DG सुनील कुमार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारी शुरू करने जा रहे हैं। वे आज JDU में शामिल होंगे। JDU सांसद ललन सिंह उनको आज JDU की सदस्यता दिलाएंगे। आज दोपहर में JDU कार्यालय में मिलन समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें सुनील कुमार को JDU की सदस्यता दिलाई जाएगी। सुनील कुमार पटना के SSB रह चुके हैं। अगली बड़ी खबर समस्तीपुर से है। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची के लाभार्थियों के लिए एक बार फिर से बड़ी खुशखबरी आई है। जिले को 7,356 अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास का आवंटन मिला है। इसके साथ जिले का लक्ष्य 91,677 पहुंच चुका है। जिले में इससे पूर्व भी वित्तीय वर्ष 2019-20 में जिले को प्रधानमंत्री आवास योजना का अतिरिक्त आवंटन मिल चुका है। नए लक्ष्य के मुताबिक अल्पसंख्यक समुदाय के 8,011 लाभार्थियों को अब प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। वहीं सामान्य कोटि के 83,866 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में CBI जांच का आज 9वां दिन है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रह चुकी रिया चक्रवर्ती से CBI पहली बार पूछताछ कर रही है। रिया के साथ उनके भाई सौविक भी हैं। मुंबई के संताकुंज इलाके में DRDO गेस्ट हाउस में सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिटानी और हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि CBI सभी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर रही है। रिया से 15 सवाल पूछे जा सकते हैं, जिसमें रिया से पूछे जा सकते हैं कि अपने और सुशांत के रिश्ते के बारे में बताएं। 8 जून को ऐसा क्या हुआ था? आपको सुशांत की मौत के बारे में किसने बताया? सुशांत की मौत की खबर मिलने के बाद क्या आप उनके बांद्रा स्थित घर गई थी? इसी तरह के 15 सवाल पूछे जा सकते हैं। बिहार में इन दिनों रिश्वतखोरी के कई मामले सामने आ रहे हैं। दारोगा से लेकर तेजरी अफसर या फिर DDC कार्यालय में बैठे अफसरों का वीडियो सामने आ रहा है। अब DM कार्यालय में रिश्वतखोरी का धंधा सामने आया है, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। DM ने आरोपी अफसर के ऊपर कार्रवाई की बात कही है। मामला बिहार के बक्सर जिले का है, जहां इस हफ्ते DDC कार्यालय में विजिलेंस की टीम ने लेखा पदाधिकारी को 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। कोरोना काल में स्टूडेंट की परेशानी बहुत बढ़ गई है। उन्हें घर से ही ऑनलाइन क्लास के सहारे एग्जाम भी देना पड़ रहा है। हालांकि फॉर्म भरने के लिए छात्रों को स्कूल जाना पड़ता है। इस बीच यह खबर आ रही है कि बिहार बोर्ड ने इंटर परीक्षा 2021 का फॉर्म भरने की डेट बढ़ा दी है। इंटर परीक्षा में रजिस्ट्रेशन कराने की तिथि 28 अगस्त तक मुरक्कर थी, लेकिन गुरुवार 27 अगस्त को आखिरी तारीख से एक दिन पहले बोर्ड ने तिथि को फिर से बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इंटर के रजिस्ट्रेशन के शुल्क जमा करने की तिथि को भी बढ़ाते हुए उसे 4 सितंबर तक कर दिया है, जबकि मैट्रिक की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को आगे बढ़ाते हुए 3 सितंबर तक कर दिया है। बिहार के बेगूसराय में जमीन पर पिलर गाड़ने को लेकर हुए एक विवाद में CRPF के एक जवान ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक बच्चे को गोली लग गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत ही इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना मुसपिल थाना इलाके के एगो गांव की है। बताया जाता है कि खगड़िया जिले के रहीमपुर गांव के रहने वाले CRPF जवान पंकज कुमार का बेगूसराय के मुसपिल थाना क्षेत्र में भी घर है। वह यहां एगो गांव में घर बनाकर रहता है। गुरुवार की देर शाम वह जमीन पर पिलर लगाने जा रहा था। इसी दौरान पंकज कुमार का पड़ोसी राजीव कुमार से विवाद हो गया, जिसके बाद पंकज कुमार ने फायरिंग कर दी। इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें।